तो सजदे की जगह पर देखते हुए दूसरी और तीसरी तकबीर पर दोनों हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें, फिर चौथी तकबीर पर दोनों हाथ कानों तक उठाएं और बंद। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह पढ़ेंगे, फिर रुकू और सजदे होंगे। तो उसी रकात में जब खड़े होंगे तो पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, फिर सूरह होगा, फिर उसके बाद जाहिर तीन तकबीर। अल्लाह के हुजूर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो और हमारा दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, इसलिए इधर उधर कहीं भी नहीं देखना, नमाज के अंदर ध्यान रहे। शुरू कर सकते हैं, सब मान लीजिए, सब बना लीजिए। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। खुशू का मतलब क्या है? नमाज में खड़े होकर नमाज में अल्लाह का ध्यान रखना, ये खुशू कहेगा। अब दूसरी मिसाल रोजे को ले लीजिए। रोजे की एक जाहिरी शक्ल है, वो क्या है कि हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुक जाना, ये रोजे की जाहिरी शक्ल है। और रोजे की बातिनी शक्ल क्या है? अल्लाह तबारक व ताला से इश्क और मोहब्बत, ये रोजे की बातिनी शक्ल। इसी तरह कुर्बानी की एक जाहिरी शक्ल है, एक बातिनी शक्ल है।